नमस्कार दोस्तों, देव के म्यूजिक चैनल में आप लोगों के स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली हर साल कार्तिक महीने के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली पूजा या लक्ष्मी गणेश पूजन के हिस्से के रूप में इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस साल देश भर में दिवाली 12 नवंबर 2023 रविवार को मनाई जाएगी। दिवाली मिथोलॉजिकल स्टोरीज भगवान राम की जीत के अलावा दीपावली मनाने के पीछे ये कहानियां भी हैं। दीपावली का त्योहार देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे हम बचपन से यह पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों उनकी जीत की खुशी में ये त्योहार मनाया था। दीपावली मनाने के पीछे और भी कई मान्यताएं हैं, आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप जलाए गए। तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावे भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आज हम आपको दीपावली मनाने के पीछे की 6 कहानियां बताएंगे। श्री राम के वनवास से लौटने की खुशी, ये वह कहानी है जो लगभग सभी भारतीय को पता है। कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास बिताकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली मनाई जाती है। पांडवों का अपने राज्य लौटना। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छलपूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य लौटे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता, साहस के लिए जाना है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। मां लक्ष्मी का अवतार। दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। सिख गुरु की आजादी। इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग अपने 6वें गुरु श्री हरगोविंद जी की याद में मनाते हैं। गुरु श्री हरगोविंद जी मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में ग्वालियर जेल में थे, जहां से मुक्त होने पर खुशियां मनाई गईं। तभी से इस दिन त्योहार मनाया जाता है। नरकासुर वध। दीपावली का त्योहार मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर का राजा था।
वह इतना क्रूर था कि उसने देवमाता अदिति की बालियां छीन ली। देवमाता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। ये भी दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।